राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाएं 8 मार्च से शुरू होंगी। इस परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र इसी सप्ताह जारी किए जाएंगे। इस परीक्षा के प्रवेश पत्र ऑनलाइन मिलेंगे, जिसे बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में इस बार 8,26,570 विद्यार्थी बैठेंगे, जबकि वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा के लिए 3,266 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर राजस्थान बोर्ड की 10वीं और प्रवेशिका की परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा में 10,82,972 और प्रवेशिका परीक्षा के लिए 7,041 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की परीक्षाओं के लिए कुल मिलाकर 19,19,849 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरे प्रदेश में 5,509 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में नकल पर अंकुश के लिए 300 संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा 60 उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्रों पर भी CCTV कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इसका नियंत्रण कक्ष बोर्ड कार्यालय में बनाया जाएगा, जहां से बोर्ड अधिकारी इन परीक्षा केंद्रों पर सीधी नजर रखेंगे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए परीक्षा केंद्रों पर 4,210 पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे।